क्या आप नए वर्ष में देख भर बाव वेदना धाम पूजा करने के लिए आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। और हाँ, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाव वेदना धाम से रिलेटेड रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाव मंदिर में भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। रविवार को SDO सबाव मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव बाव मंदिर पहुँचे तथा कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करने की बात कर्मचारियों से कही। मंदिर प्रभारी ने बताया कि हर दिन तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में मंदिर परिसर में अंदर भक्तों को बगैर मास्क के एंट्री नहीं हो, इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं एक घंटे में 100 लोगों की ही पूजा कराने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं बाबा मंदिर के गर्भ गृह में भी कई लोग एक साथ रुद्राभिषेक करते हैं, जो कि इस समय सही नहीं है। एक बार में एक ही वक्त रुद्राभिषेक करेंगे, उनके साथ श्रद्धालुओं को रहने की अनुमति नहीं होगी। गर्भगृह में सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। वही कर्मचारियों को मंदिर परिसर में पुरोहित से संपर्क कर मास्क व सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। कहा कि जितनी सावधानी होगी उतने लोगों को संक्रमण से बचे रहेंगे, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो सरकार के स्तर से और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाव वेदना धाम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो मैंने आपको बताया। और मैं आपको अपने तरीके से बता दूं कि अभी बाव मंदिर में क्या चल रहा है। अभी बाव मंदिर में जैसे आप आओगे तो सबसे पहले आपके जो कोविड टीकाकरण है, अगर वो नहीं लिए हैं तो आपको बाव मंदिर में अनुमति नहीं दिया जाएगा अंदर जाने के लिए। पहली बात तो ये है, टीका में दोनों डोज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, आपको मास्क अनिवार्य है, मास्क आप जरूर लेके आइएगा। और जैसे कि बताया गया कि एक घंटे में 100 ही यात्री या तो श्रद्धालु जो भी है वो पूजा कर सकेंगे। और गर्भगृह केंद्र जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे एक बार में एक ही आदमी क्या कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे कोई भी पुजारी जो होते वो नहीं होंगे, और समय समय पर आप अपना हाथ को सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि कोरोना संक्रमण होने से आप भी बचेंगे और आसपास के भी जो परिसर है वो भी बचेंगे। तो इसलिए ये लागू किया गया है। और जैसे भी कुछ भी यहाँ पे नियम कानून लागू होते देखभर में, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप इनसे वांछित ना रहें। और किसी तरह के आपको क्वायरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।